पढ़ते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण डी ब्रॉगली समीकरण को समझने के लिए पहले उसको उसके थ्योरी को समझते हैं। उसके थ्योरी में ये बोला गया कि प्रकाश, दृश्य प्रकाश और दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरण में व्यतिकरण तथा विवर्तन को समझाने के लिए तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरण में व्यतिकरण तथा विवर्तन को समझाने के लिए तरंग सिद्धांत लिया जाता है। प्रकाश, ये प्रकाश जैसे कि प्रकाश संबंधित अनेक घटनाएं प्रकाश संबंधित अनेक घटनाएं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, को समझाने के लिए यह माना जाता है कि प्रकाश कण से मिलकर बना हुआ है। कण से बना है जिसे इस कण ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा जो है वो कण से बना है ऐसे माना जाता है। और इस प्रकाश ऊर्जा को फोटान कहते हैं। फोटान, यहाँ से एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। देखो, दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरण में व्यतिकरण तथा विवर्तन को तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। तथा प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव को समझाने के लिए ऐसा माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा कण का बना होता है। इस कण ऊर्जा को फोटान कहते हैं। और फोटान कहते हैं प्रकाश में, अतः प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की दो प्रकार के आचरण होते हैं। इस कारण से प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसमें प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों का गुण पाया जाता है। तो यहाँ से केवल इतना ही डेफिनेशन के रूप में पहले इतना याद रखेंगे, क्या दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरण में व्यतिकरण तथा विवर्तन को तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है।
प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कापटन प्रभाव, रमन प्रभाव को समझाने के लिए ऐसा माना जाता है कि प्रकाश प्रकाश ऊर्जा कण का बना होता है, कणों का बना होता है। इस कण की ऊर्जा को फोटान कहते हैं, और प्रकाश में अतः प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। और फिर इसमें बताया गया है कि इस प्रकाश में ये प्रकाश है, ये प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। इसी के समानता के आधार पर, समानता के आधार पर इसी के समानता के आधार पर 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत बताया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि प्रकाश जो कि सामान्यतः प्रकाश जो कि सामान्यतः तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह जिसकी प्रकृति तरंग होती है, प्रकाश जिसकी सामान्यतः प्रकृति तरंग होती है, कण की तरह भी व्यवहार करता है, कण की तरह भी व्यवहार करता है। उसी उसी से संबंधित उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो सामान्यतः सामान्यतः उसकी प्रकृति कण होती है, इलेक्ट्रॉन सामान्यतः डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सामान्यतः कण की तरह व्यवहार करता है, इसकी प्रकृति कण होती है जो तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है, करेगा, तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। ठीक, ये बताया था डी ब्रोगली ने। क्या उसको रिपीट करते हैं। इसी के समानता के आधार पर 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने प्रकाश बताया लुइस डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश सामान्यतः तरंग की तरह व्यवहार करता है, नहीं सॉरी, इसकी प्रकृति तरंग की तरह होती है, प्रकाश की सामान्यतः तरंग की तरह प्रकृति होती है, जो कण की तरह भी व्यवहार करता है, जो कण की तरह भी व्यवहार करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी सामान्यतः उसकी प्रकृति कण होती है, लेकिन वो भी तरंग की तरह व्यवहार करेगा। इस चीज को बताया था डी ब्रोगली ने, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कि कण है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये गति अवस्था में गति अवस्था में इसके तरंग और तरंग की तरंग दैर्ध्य को तरंग की तरंग दैर्ध्य को बताने के लिए एक समीकरण की व्याख्या की है। उस समीकरण की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। समीकरण की व्याख्या यदि करते हैं तो डी ब्रोगली के अनुसार उन्होंने क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा E=hν समीकरण एक, और आइंस्टीन के समीकरण से आइंस्टीन के समीकरण से
उन्होंने लिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये समीकरण दो, और उन्होंने बताया क्या, जहाँ जहाँ यहाँ पे एम जो है द्रव्य की मात्रा और सी जो है प्रकाश का वेग, ये बताया। ठीक है, तो दो सिद्धांतों से उन्होंने लिया था, क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा ई, फोटॉन की ऊर्जा ई इक्वल टू एच न्यू समीकरण एक, आइंस्टीन के समीकरण से ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर समीकरण दो, जहाँ एम जो है द्रव्य की मात्रा है और यहाँ पे सी जो है प्रकाश का वेग है। तो इस प्रकार समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से देखेंगे तो समीकरण एक जो है एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर, ये यहाँ से देखेंगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि एम का मान निकालना हो तो एम इक्वल टू एम है, और यहाँ से ये पक्षांतर होकर के नीचे चला जाएगा तो ये एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये इसको दे देते हैं समीकरण तीन। इसी को और आगे देखते हैं, इसी को आगे देखते हैं समीकरण तीन से। तो समीकरण तीन यहाँ तक हुआ, उसके बाद चूँकि न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, तो इस मान को समीकरण तीन में रख देंगे। तो समीकरण तीन में रखेंगे तो ये हो जाएगी एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको दे देते हैं समीकरण चक्को चार। और उसके बाद चलो दो लाइन में बनाता हूँ, समीकरण चार, और उसके बाद ये हो जा रहा है, ये हो जाएगी, यहाँ से देखो सी और सी कट करके यहाँ पे एक सी बचा हुआ है चूँकि स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा लेमडा, लेमडा का उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, उसको इस तरफ ले आते हैं। चलो एक बार लिख देता हूँ, नहीं क्या लिखना यार, एच अपॉन लेमडा, चलो लिख देता हूँ, सरल होगा, ये एम सी बचा और यहाँ से लेमडा इक्वल टू लेमडा, लेमडा पक्षांतर के एच अपॉन एम सी, इसको दे देते हैं समीकरण पाँच। ठीक, समीकरण पाँच हुआ। अब यहाँ से देखना, समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक एक के अनुसार फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा ई इक्वल टू एच न्यू था, इसको समझना। और उसके बाद तथा फोटान की सहती, जहाँ पे हमने लिखा था एम इक्वल टू फोटान की सहती, फोटान की सहती के लिए यहाँ पे समीकरण तीन के अनुसार, समीकरण तीन के अनुसार यहाँ लिख लेना, समीकरण तीन के अनुसार फोटान की सहती द्रव्यमान तुल्यांक, द्रव्यमान तुल्यांक को लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं समीकरण तीन जो कि लिखा हुआ है एम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से इसको ले सकते हैं एम इक्वल टू एच सी, सॉरी एच न्यू सी स्क्वायर ये। और फिर ये बोला गया था कि समीकरण पाँच के अनुसार, समीकरण पाँच में फोटान के लिए, फोटान के लिए ये जो फोटान है वो कण की ऊर्जा का पैकेट है, प्रकाश जो है उसके कण का पैकेट होता है। तो प्रकाश के लिए जो सिद्धांत दिया गया था वो अलग है, वो आइंस्टीन ने दिया हुआ है। उसके बाद जो कण के लिए है, कण यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके लिए डी ब्रोगली ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है। डी ब्रोगली ने जब अपना सिद्धांत दिया हुआ है तो यहाँ से उन्होंने फोटान फोटान लिया हुआ है, प्रकाश के कण की बात उन्होंने की है, और कण को तरंग की तरह व्यवहार करती है ऐसे बताया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं समीकरण पाँच में फोटान के लिए, समीकरण पाँच में फोटान के लिए यदि देखेंगे तो वहाँ पे जो एम होगी वो सहती होगी, सहती व
या तो था वी वेग से चलने वाली, यहाँ पे वेग जो है वी हो जाएगी। कण के लिए वेग वी माना जाता है, जबकि प्रकाश की वेग के लिए सी को माना जाता है, जो कि समीकरण दो में हमने देखा था कि आइंस्टीन के समीकरण से सी जो है वो प्रकाश का वेग होता है और कण के लिए ये वी वेग माना जाएगा। तो इस कारण से वी वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ से चेंज कर देंगे समीकरण पाँच से। तो समीकरण पाँच क्या है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी दिया हुआ है, तो लेमडा यहाँ से मिटा देते हैं। ये दिया हुआ है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा। देखना ये सी जो था वो वी हो गया, क्योंकि ये प्रकाश की गतिज ऊर्जा के लिए सी है और यहाँ पे ये कण की गतिज ऊर्जा के लिए वी है। तो ये हो जाएगा क्या, समीकरण छः। समीकरण छः जो दिया हुआ है, समीकरण छः ही मूलतः डी ब्रॉगली का समीकरण है। मूलतः यही जो सूत्र है ब्रॉगली का समीकरण है। समीकरण छः मूलतः डी ब्रॉगली का समीकरण है। इसमें उन्होंने क्या बताया था, फिर इसको बताता हूँ मैं। इसमें उन्होंने बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो गति अवस्था में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन गति अवस्था में तरंग के तरंग दैर्ध्य की व्याख्या की है। इसके तरंग के तरंग दैर्ध्य की व्याख्या समीकरण छः के अनुसार किया गया है। इसी को यदि और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है। दूसरे प्रकार से में यदि देखेंगे तो जैसे हमें मूल सूत्र प्राप्त हुआ लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो यहाँ पे एम वी जो है संवेग पी बराबर होता है एम वी। इसके मान को यदि रखते हैं, चूंकि संवेग पी बराबर एम वी होता है, तो यहाँ से लेमडा यानी कि तरंग दैर्ध्य, लेमडा क्या है तरंग दैर्ध्य है, तो एच अपॉन पी ये भी ले सकते हैं। जब एच अपॉन पी है तो यहाँ पे ये संवेग है और ये तरंग है और ये क्या है प्लांक स्थिरांक। तो हमने क्या पिछले क्या पढ़ा हुआ था कि ई प्रपोर्शनल टू न्यू था, ई प्रपोर्शनल टू न्यू था, वही कन्वर्ट हो करके एच न्यू बना। तो ये जो बराबर है यदि उसे प्रपोर्शनल फिर से लिख दे तो एच यहाँ से हट जाती है, केवल न्यू रहता है। उसी प्रकार से यहाँ से एच जो है हट जाएगी और यहाँ से एच प्रपोर्शनल 1/p यानी कि ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य प्रपोर्शनल 1/ संवेग। संवेग। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली ने इसे दूसरे प्रकार से भी इसे डेफिनेशन करने की प्रक्रिया भी बताई हुई है। दूसरे तरीके से इसे कैसे डेफिनेट कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि किसी गतिशील कण में तरंग दैर्ध्य, किसी गतिशील गतिशील संवेग सॉरी किसी कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है।